Welcome to Emerging Domain in Electronics Engineering. My name is Ranjana and I have been teaching at Access Colleges. Today our topic is VI characteristic of diode. In previous lecture, we have already covered in our lecture introduction of PN diode, what is PN diode, depletion region, biasing of diode and current equation of diode. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ पर कवर कर सकते हैं. आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो उसका कंटेंट है, वो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक. हम डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे कि ये कैसे ड्रॉ होती है, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म का कुछ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, रियल एंड प्रैक्टिकल डायोड्स में क्या डिफरेंस हैं वो हम चेक करेंगे, डायोड के रेजिस्टेंस के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड को देखेंगे. तो ये कुछ डायोड का आपके साथ मैंने सिंबल शेयर किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड. अगर हम बात करें कि VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है डायोड की, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ ही क्यों करते हैं. आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम सारे ही डिवाइसेस का VI कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर ड्रॉ करते हैं. दैट वो हम करते क्यों हैं, क्योंकि उनके बारे में हमें जानना है, मतलब कि क्या हम उस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस मोमेंट वो डिवाइस कैसे रिस्पॉन्स करता है, वो करंट के बेसिस पे ही रिस्पॉन्स करेगा. तो वो चीज़ ही हम क्या करते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक में ड्रॉ करते हैं. तो इट मीन्स इट इज़ अ कर्व. VI कैरेक्टरिस्टिक कुछ और नहीं, एक कर्व बन के आएगा जो कि किसके बीच में है, जो हम उस डिवाइस के अप्रॉक्स वोल्टेज लगाएंगे उसके रिस्पॉन्स में वो क्या करंट उस सर्किट से फ्लो करा रहा है, ये होता है हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक. तो अभी हम फिलहाल डायोड की बात कर रहे हैं. तो जैसे कि हमने इसकी वर्किंग में समझा था कि डायोड कई तरीके से बायस हो सकता है. एक हमारा हमने देखा था ज़ीरो बायस, कि ज़ीरो बायसिंग में हमारा जो डायोड है, मींस हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस मोमेंट हमें पता है कि यहाँ पर जो भी करंट होगा वो ज़ीरो होगा, इसके अप्रॉक्स अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं करता था. जब हम इसे फॉरवर्ड बायस करते थे, इन फॉरवर्ड बायसिंग, हम देखते थे कि जो करंट है वो हमारा इनिशियली बहुत कम होता था, लेकिन फिर एक मोमेंट आता था जिसके बाद वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता था. ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं. रिवर्स बायस की बात करें तो इन रिवर्स बायस जो करंट होता है उसे हम आइडियली कहते हैं ज़ीरो, लेकिन एक रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारा आता है जो कि माइक्रो एम्पियर्स में, मतलब बहुत कम करंट फ्लो करता है इन रिवर्स डायरेक्शन. तो यही सब बातें जो हैं हमारे इस कर्व में हम देख सकते हैं. तो हमने ये VI कैरेक्टरिस्टिक बनाया है जिसमें हमने V वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है, उसे X एक्सिस पे रखा है और करंट को हमने Y एक्सिस पे हम डिकोड कर रहे हैं. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जब हमने बात करी कि नो बायस, मीन्स हमने कोई बायसिंग नहीं करी, तो उस मोमेंट जो करंट है वो भी ज़ीरो है, वोल्टेज भी ज़ीरो और उस मोमेंट करंट भी ज़ीरो है अप्रॉक्स डायोड. और जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो हम देख रहे हैं कि कुछ मोमेंट तक, अब ये हमने जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए, दोनों के लिए ही यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है. तो आप देखें कि जर्मेनियम में क्या हो रहा है, 0.3 वोल्टेज जो कि उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू है और जिसे हम नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, उस मोमेंट तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. और जैसे ही 0.3 तक हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज पहुंचता है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है. सिलिकॉन में ये जो वैल्यू है थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वो 0.7 वोल्ट्स है, तो 0.7 जैसे ही रीच करे वोल्टेज की वैल्यू, करंट हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है. तो हम देख सकते हैं ये जो रीज़न आया है हमारा राइट साइड में, ये फॉरवर्ड बायस का रीज़न है जिसमें करंट हमारा बहुत फास्टर इंक्रीज़ कर रहा है आफ्टर रीचिंग टू नी वोल्टेज, नी वोल्टेज के बाद. रिवर्स कंडीशन में अगर हम चेक करें तो रिवर्स कंडीशन में क्या होता है, इन रिवर्स कंडीशन हमने देखा था वर्किंग में कि जो सैचुरेशन करंट आता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से आता है. तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो बहुत कम होते हैं, किसी भी पी और एन की बात हम कर रहे थे डायोड में, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो कम होते हैं, तो इसलिए देखिए बहुत ही थोड़ा सा करंट फ्लो किया है और वो अपनी पीक पे पहुंच गया है बहुत फास्टर. और उसके बाद हम वोल्टेज कितना भी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, हम देख सकते हैं इस ग्राफ में, हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कांस्टेंट, मींस करंट जो है वो कांस्टेंट है, वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है. ठीक है, इसीलिए इसका नाम, मतलब हम देख सकते हैं कि इस पूरे रीजन में ये करंट जो है वो सैचुरेट कर जा रहा है,
कांस्टेंट हो जा रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम भी दिया है रिवर्स सैचुरेशन करंट। और करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होती थी, जैसे हमने डायोड में ये सिंबल बनाते वक्त देखा था कि जो करंट होता है अप्रॉक्स डायोड वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, रिवर्स में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करता है वो रिवर्स डायरेक्शन में करता है। ठीक है, तभी हम ये माइनस की तरफ इसको ड्रॉ कर रहे हैं, प्लस की तरफ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में है। यहाँ पे दो तीन बातें जो हमें ध्यान रखनी है वो इस बात का कि नी वोल्टेज के बाद ही हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर, करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि करंट हमारा फ्लो कर रहा है। नी वोल्टेज से पहले करंट की वैल्यू बहुत कम है। और साथ ही साथ रिवर्स में हम देख सकते हैं कि हम कहें कि ये कब तक हमारा जो रिवर्स का जो करंट है वो सैचुरेटेड रहेगा, तो हम देख सकते हैं कि ये एक मोमेंट तक ही सैचुरेटेड रहेगा, लेकिन अगर उसके बाद हमने फर्दर इस रिवर्स वोल्टेज को और भी इंक्रीज़ किया तो हम देख सकते हैं कि हमारा ब्रेकडाउन रीजन आ जाएगा, या हम उस रीजन को कहेंगे ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है वो हम अभी आगे समझेंगे। इस ग्राफ के थ्रू आप ये देख सकते हो कि ब्रेकडाउन रीच करने के बाद हम देख रहे हैं कि करंट की क्वांटिटी यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो जा रही है, मतलब करंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, भले ही वो रिवर्स करंट हो रहा है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। देन कुछ अगर जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए उसको कंक्लूड करें तो वो यही है, ज़ीरो बायसिंग पे हम देखते हैं कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है अप्रॉक्स डायोड। इन फॉरवर्ड बायसिंग हम देखते हैं कि अप टू अ लेवल, अप टू अ वोल्टेज जो हमारा करंट है वो बहुत ही स्लोली इंक्रीज़ कर रहा होता है। जैसे ही उस बैरियर को ओवरकम कर लेता है हमारा डायोड, या हम जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं उससे ग्रेटर वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ग्रेटर वोल्टेज अगर हम अप्लाई कर देते हैं अपने डायोड के अप्रॉक्स, तो हमने देखा कि जो करंट है वो ऐसे फ्लो करने लगता है जैसे कि कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। ठीक है, विदाउट एनी बैरियर। तो जो वोल्टेज था जहाँ पे ये हम इस करंट को रीच कर पाए वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन कम्स टू रिवर्स बायस। इन रिवर्स बायसिंग हमने देखा कि पोटेंशियल बैरियर हमारा इतना ज़्यादा हो जाता है डायोड में कि कोई भी करंट उसके अप्रॉक्स फ्लो नहीं कर पाता है, या हम कह सकते हैं कि जंक्शन पे रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी करंट प्रैक्टिकली फ्लो नहीं कर पाता हमारे डायोड में। बट हमें इतना भी पता है कि वेरी स्मॉल करंट ऑफ ऑर्डर माइक्रोएम्पियर्स क्या करता है, फ्लो करता है, जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, एंड इट इज़ ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसीलिए ये बहुत लेसर अमाउंट में होता है। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। देन जो ब्रेकडाउन हमने रीजन शो किया था कि हमारे वी आई कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ब्रेकडाउन आ जाता है, उसका काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आप ये देख सकते हो कि ब्रेकडाउन आया किस वजह से। जब हमारे डायोड में हम देखें कि हमने क्या कर रखा है, एक तो ये जो ब्रेकडाउन आता है वो हमने अभी देखा ग्राफ में, वो हमने रिवर्स कंडीशन में ही बताया हुआ है। इसका मतलब हम भी जब भी अपने पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे तभी ऐसा कंडीशन आएगा कि ब्रेकडाउन हो सकेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्यों था, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज़ करने लगती है। डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज़ करती है तो हमें पता है कि इसके बीच में जो बैरियर पोटेंशियल था वो भी इंक्रीज़ करने लग जाता है, जिसे हम बिल्ट इन वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो बिल्ट इन वोल्टेज की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है, बिल्ट इन वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम रिवर्स में जो वोल्टेज है उसको भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो होता क्या है, अब ये दोनों ही वोल्टेज बहुत स्ट्रांगली हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी वेफर हमने यूज़ किया है उसके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भी टू टाइप्स के ब्रेकडाउन होते हैं, जैसे एक को हम अवलांचे और एक को जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं, जिसे हम आगे की लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो ब्रेकडाउन हो जाता है वो किसकी वजह से होता हो जाता है, सडन इंक्रीज ऑफ रिवर्स करंट हो जाता है ड्यू टू द ब्रेकडाउन। हम कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो गए, या ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जा रही है, इतनी हाई हो जा रही है, जो दूसरा रीज़न है इस बात का कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, कि जो फ्री चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिवर्स बायस में आराम से इस जंक्शन को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने ये वोल्टेजेस इतने इंक्रीज कर दिए कि उनकी स्पीड बहुत फास्टर हो जाती है, फास्टर स्पीड से जब वो भागते हैं या हम कहेंगे अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स बैटरी, तो वो क्या करते हैं इन कोवेलेंट बॉन्ड से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और चार्ज कैरियर्स हमें मल्टीपल दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से करंट का फ्लो इंक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट कम्स टू द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो अब हम इस डायोड को अगर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ले जाएं तो हम देखें कि ये ऐसा बिहेव करता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ बना हुआ है, अगर हम कहें कि ये एक नॉर्मल डायोड है और रूम टेम्परेचर पे ड्रॉन है, तो वो कुछ इस तरीके से ही होगा। अब हम बात करें कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, तो जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा इन फॉरवर्ड रीजन, मतलब कंडक्शन थ्रू द डायोड अर्लियर हो जाएगा, पहले हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें एक लेवल तक वेट करना पड़ रहा था, मान लेते हैं सिलिकॉन है तो 0.7 तक, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर पे ये कंडक्शन फास्टर हो जा रहा है। मीन्स आप थोड़ा ही वोल्टेज अप्लाई करें उस डिवाइस को और उसमें कंडक्शन शुरू हो जा रहा है, ठीक है। इन रिवर्स वाइज अगर हम देखें तो ये ग्राफ हमारा जो रन करता है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ देखिए ग्राफ हमारा कुछ ऐसा रहता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो काइंड ऑफ ड्रॉबैक है यहाँ का। ये तो बहुत अच्छी बात थी, फेवरेबल बात थी कि हमारा कंडक्शन ईजिली स्टार्ट हो जाता है या पावर उसकी कम लगती है और वह जल्दी शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है उसकी वैल्यू देखिए इंक्रीज़ हो जाती है। और साथ ही साथ एक और बेनिफिट है यहाँ पे कि हमारा जो रिवर्स में ब्रेकडाउन होता है उसकी रेंज भी इंक्रीज हो गई। देखिए नॉर्मल कंडीशन में जब ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे है और हम इंक्रीज वोल्टेज पे देख रहे हैं कि ये हमें थोड़ा लिमिट और प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हमारा जो डायोड है लेसर वोल्टेज में जाए या हम उसे किसी ऐसी जगह पर ले जाएँ जहाँ पर टेम्परेचर लेस है, तो आप देखोगे कि फॉरवर्ड कंडीशन में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, और रिवर्स में अगर हम देखें तो ये ग्राफ हमें ग्रीन वाला कुछ इस तरीके से मिलेगा। दिस इज़ नथिंग बट 25 माइनस टी की बात कर रहे हैं हम, लेसर टेम्परेचर पे हम ले जा रहे हैं इसे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कंडक्शन स्टार्ट कराने के लिए ज़्यादा नी वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नी वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी है, मतलब इस डिवाइस को ऑन करने के लिए हमें ज़्यादा पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन रिवर्स कंडीशन अगर हम देखें तो ये हमें शो कर रहा है कि सैचुरेशन करंट तो कम हो गया है, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज देखिए नॉर्मल से बहुत पहले हो गया है, तो जो कि हमारे लिए काइंड ऑफ ड्रॉबैक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कि कैसे हमारे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे और लेसर करने पे क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं और क्या लॉसेस हैं। पर डिपेंडिंग ऑन आर एप्लीकेशन, कि हम डिवाइस कौन सा डिज़ाइन कर रहे हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितनी रेंज तक हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सिलिकॉन या जर्मेनियम का वेफर यूज़ करना है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन हम चूज़ करते हैं अपना डिवाइस। नेक्स्ट कम टू द आइडियल एंड रियल कैरेक्टरिस्टिक, हम कहें अगर कंपेरिजन करें तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमने अभी आइडियल डायोड में, जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था कि जब भी हम फॉरवर्ड बायस कर देते हैं अपने डिवाइस को, जैसे यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी बैरियर बीच में नहीं रह जाता है। तो ये आइडियल कंडीशन हमने माना है कि ऐसा होता है, पर ऐसा होता नहीं है। रियल में होता क्या है कि फ्यू ओम्स हमारे जो है हमें करंट रेजिस्टेंस जो है हमें मिलता है इन फॉरवर्ड कंडीशन। रिवर्स रेजिस्टेंस की बात करें तो आइडियल कंडीशन में हमने मान लिया कि इनफाइनाइट हमें जो है रिवर्स रेजिस्टेंस मिलता है, मींस जो हम रिवर्स में कहते हैं कि करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करता, पर ऐसा रियल में नहीं होता। कुछ 100 किलो ओम्स तक ये फ्लो करता है, फ्यू अमाउंट फ्लो करता है। कट इन वोल्टेज की बात करें तो इन रियल हम कह रहे हैं कि वो 0 वोल्ट्स है, मतलब कि हम जैसे ही, मतलब वोल्टेज हमने अप्लाई ही नहीं किया या थोड़ा सा ही माइन्यूट सा वोल्टेज अप्लाई किया, करंट क्या करेगा, फटाफट इंक्रीज़ कर जाएगा, बिल्कुल ऐसा आइडियल कंडीशन में कहते हैं। पर ऐसा रियल में नहीं होता। जो अभी तक हमने जितना भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाया उसमें हमने देखा कि सिलिकॉन के लिए दिस इज़ 0.6 और 0.7 वोल्ट्स है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज तक रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उसका बिल्ट इन वोल्टेज होता है, जिसे हम कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट कम्स टू द इक्विवेलेंट सर्किट इन फॉरवर्ड बायस। तो आइडियल में हमने देखा, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया होता कि आइडियल कंडीशन में उस डायोड को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय शॉर्ट सर्किट, हम ऐसे शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि फॉरवर्ड में तो वो कंडक्शन करने लग जाता है नॉर्मली, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो हम उसे एक नॉर्मल वायर से रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट कम्स टू रियल में, पर ऐसा नहीं होता है, इसके आगे वाली स्लाइड में हम वो कवर भी करेंगे। ये डायोड
कुछ हमें पता है कट इन वोल्टेज भी शो करता है, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस भी रह जाता है जो हमने इधर अभी बात करी, सॉरी ये फ्यू ओम्स की, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये एक आइडियल डायोड है। तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट इन रिवर्स बायस, तो हमने आइडियल कंडीशन में अभी तक कहा कि रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो करता ही नहीं है और हम उसे ओपन सर्किट की तरह रिप्रेजेंट कर देते थे, ठीक है। लेकिन ये अभी हम देखते हैं कि आगे इन रिवर्स कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा कि आप कैसे करोगे, वोल्टेज भी ऐसे ही रहेगा, रेजिस्टेंस भी वही रहेगा, लेकिन आइडियल डायोड है तो हम इसे ओपन सर्किट की तरह, इन रिवर्स की बात करेंगे तो वो जीरो होगा। तो मतलब इस तरीके से हम सर्किट पे इसे रिप्लेस कर सकते हैं। दिस वॉज अबाउट द रियल एंड आइडियल डायोड, इसका कंपेरिजन। फिर मॉडल ऑफ डायोड्स, हम डायोड को अपने तीन मॉडल्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन की बात अभी हम कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ रियल की भी हमने बात करी। तो अगर हम देखें, पीस वाइज लीनियर मॉडल कहता है कि डायोड को हम कैसे अपने सर्किट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें करना क्या है, अभी जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर का बिल्ट इन वोल्टेज, साथ ही साथ वो कुछ रेजिस्टेंस शो करता है, और फिर उसके बाद हम एक आइडियल डायोड लगा दें। तो ये कंडीशन होती है पीस वाइज लीनियर मॉडल, जैसा नाम बता रहा है कि हर एक चीज़ को पीस वाइज हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कैरेक्टरिस्टिक, वो समझना। कैरेक्टरिस्टिक आप देखो तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से ही, एक्स पे वी और वाई पे हम, वाई एक्सिस पे वी करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जीरो से जब हम फॉरवर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ हमें पता है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमने करंट जीरो दिखाया है। और उस मोमेंट के बाद क्या हो रहा है, जैसे ही हम वी के पे रीच कर गए हैं तो हमारा करंट इंक्रीज करता है, और ये लाइन आप देख सकते हो कि हमने स्लैंटेड दिखाई है। स्लैंटेड इसलिए दिखाई है क्योंकि यहाँ पे हम जो रेजिस्टेंस, हमारा जो ये डायोड है वो उसको एवरेज रेजिस्टेंस को हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ वी आई कैरेक्टरिस्टिक हमें कुछ ऐसा मिलेगा इन फॉरवर्ड। रिवर्स में हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ज़ीरो रहेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। सिंप्लीफाइड मॉडल, अब ये पीस वाइज को ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ये कंसिडर करते हुए कि जब हम डायोड को किसी नेटवर्क में यूज़ करेंगे तो उस नेटवर्क का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि हम इस आर ए वी को नेग्लिजिबल मान के नहीं कंसिडर करते हैं। तो हमने सिर्फ वोल्टेज सोर्स जो कि वी के से यहाँ पर डिनोटेड है, और साथ ही साथ आइडियल डायोड को कंसिडर किया है। जब इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो हम देखें इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये जो है स्ट्रेट लाइन आएगी, कि जैसे ही वी के पे हम रीच करें तो हमारा करंट इंक्रीज करेगा और स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे आर ए वी का टर्म नहीं है जिसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ये काइंड ऑफ डिफरेंस भी है जो हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ आइडियल डायोड की बात करें तो हमें पता है कि वहाँ पे हम ना तो उस रेजिस्टेंस को ही कंसिडर करते हैं, इस रेजिस्टेंस को कह देते हैं कि ये बहुत नेग्लिजिबल है, साथ ही साथ ये जो बैरियर है इसको भी कहते हैं कि ये बहुत कम है, ठीक है, जो हमने अप्लाइड वोल्टेज होगा उससे बहुत कम होगा। तो इन दोनों ही चीज़ को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं और आइडियल डायोड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि इन फॉरवर्ड हम थोड़ा सा ही वोल्टेज अप्लाई करें और ये करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड। और अगर हम इधर देखें तो रिवर्स में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इन आइडियल कंडीशन, तो उसे हम जीरो की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।